बहराइच जिले में हाथियों का झुंड अचानक सड़क पर आ गया, जिससे काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये हाथी सड़क पर मंडरा रहे हैं। इन हाथियों को देखकर सभी की हालत खराब हो गई, यहां तक कि सड़क से गुजरने वाली बसें भी रास्ते में ही रुक गई। ये तस्वीरें गाढ़ा रेंज में आने वाली बिछिया मिहीपुरवा की हैं, जहां चफरिया चौक इलाके में नेपाली हाथियों के एक झुंड ने करतनिया घाट जंगल से गुजरने वाली सड़क पर काफी देर तक उत्पात मचाया। सूचना पाकर वनकर्मी मौके पर पहुंच गए। काफी मशक्कत के बाद उन हाथियों को सड़क से हटाया गया, तब कहीं जाकर रास्ता साफ हुआ और ट्रैफिक बहाल हुआ। वहीं अगर गुजरे वक्त की बात करें तो 4 दिन पहले खेत में काम कर रहे एक बुजुर्ग को हाथी ने मौत के घाट उतार दिया था। जानकारी के मुताबिक अक्सर इन नेपाली हाथियों का झुंड करतनिया घाट जंगल से होकर आबादी क्षेत्र में आ जाता है। ये हाथी मकान और खेतों को काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं। पिछले कई सालों से हाथियों का ये आतंक जारी है, लेकिन आज तारीख तक वन विभाग इसका कोई समाधान नहीं निकाल सका। अब देखना ये होगा कि आखिर बहराइच के लोगों को इन दिक्कतों से कब निजात मिलती है। बहराइच से न्यूज़ नेशन के लिए राजेश कुमार चौहान के साथ नूर आलम वारसी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।